हेलो हाँ बच्चों, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो भाई? पैसा से यहाँ पे किया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अगर हमारी आवाज़ आ रही तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ आवाज़ आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम मस्त चल रहा है। सब कुछ मस्त चल रहा है भाई। हेलो, चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों, जो भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप ये जान लो कि आज आपका पहला अध्याय साइंस शुरू हो रहा है, और आप लोगों को क्या करना है, फटाफट जुड़ जाना है, और बहुत ही मस्त तरीके की आज क्लास होने वाली है। तेज नारायण सिंह, गुड मॉर्निंग भाई, कमेंट आपका आ रहा है। राहुल यदुवंशी, मनोज सिंह, डॉक्टर वंश गेमर, चिराग पाटीदार, उज्जवल तिवारी, रश्मि, अनुराग, पूर्णिमा सिंह, समीक्षा, रोहित, प्रियंका और जय किशोर, साहिल ठाकुर, मिस्टर परफेक्ट, और कौन जुड़ा है भाई अभी अभी, मिस्टर कोहली। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका पहला अध्याय साइंस में, 9th में, क्लास 9th का NCERT साइंस। चलिए ऊपर टाइटल लिखते हैं, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड चैप्टर है, और आप लोगों को इसमें ढेर सारे प्रैक्टिकल घर पे करने होंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है? कोई खतरनाक प्रैक्टिकल नहीं करना, लेकिन आसान आसान वाले करना, ठीक है? चलो आओ देखो, इधर साइड में समझो। और हाँ, उसके पहले आप सभी इस सेशन को भैया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, हर जगह शेयर करके आओ, ठीक है? जल्दी से तुरंत शेयर करके आओ, देर ना करो। और जो ग्रुप बनाया करो उसमें हमें ना जोड़ा करो, निवेदन है। हाँ, अपना लोग को जोड़ लिया करो, अपने ले जाके भेज दिया करो, बस हमारा कोई काम ही नहीं है उसमें। चलो सौरभ जी, गुड मॉर्निंग, कमेंट आ रहा है। तो बच्चा, आज आपका साइंस का ये सेकेंड लाइव सेशन होगा, ठीक है? आप यहाँ पे टाइटल हम लिख दे रहे हैं, आप लिखो या ना लिखो, क्लास 9th NCERT साइंस, ठीक है? मीन्स क्या होता है, विज्ञान। तो आज आपका अध्याय नंबर 1 है, पहला चैप्टर है, ठीक है? तो पहला चैप्टर का नाम है बच्चों मैटर। जानते हो ना, सुने हो कि नहीं, आपके किताब में लिखा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ। सभी बच्चे बोलो हाँ, यही नाम है ना, हमारे आसपास के पदार्थ। अगर यही नाम है पहला पार्ट का, तो सभी बच्चे बोलो हाँ यही नाम है, जल्दी बोलो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा? मैटर सराउंडिंग, मैटर आवर सराउंडिंग, ऐसे कुछ इंग्लिश में होगा ना। तो फिलहाल हमें हिंदी में पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे हमारे अधिकांश सभी हिंदी मीडियम वाले हैं। हाँ भाई, काय को तुम नहीं आ रहा इसमें। चलो रंजू, गुड मॉर्निंग। अजीत, पूनम सिंह, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। चलिए तो भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें वर्ड है ना, ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो मेन मेन मतलब पार्टिसिपेट करने वाले एक प्रकार से करेक्टर हैं, पहले उनके बारे में आपको समझना है। जैसे एक मूवी आती है तो उसमें हीरो हीरोइन होता है, हाँ, विलेन वगैरह, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ होते हैं। तो उस तरह से अगर ये चैप्टर है तो इसमें भी कुछ करेक्टर हैं, उनको हमें समझना है, याद करना नहीं है। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ समझना है। और अगर आप चैप्टर समझ गए बच्चा, तो आपको फिर कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली है। बहुत कुछ होते हैं हाँ तो उस तरह से अगर ये चैप्टर है तो इसमें भी कुछ करेक्टर हैं। ठीक है, हमारी आवाज़ वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, समझो। दीपक कुमार जी, बच्चा 10th का चलेगा, बताएंगे। अभिषेक पाल, गुड मॉर्निंग। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ की, मैटर।
मैटर होता क्या आखिर, आप जानते हो, कितने लोग जानते हैं बताओ, आखिर ये क्या है, मैटर क्या है भाई? आपने सुना होगा वो मैटर नहीं कि कौन सा मैटर है जो बवाल हो गया, ये बवाल वाला मैटर नहीं, ये मैटर खुद ही एक मैटर है। समझो यहाँ पे, पदार्थ क्या चीज़ है, आपने सुना है, बहुत सारी चीज़ें सुना है, ये डिब्बी है, ये प्लास्टिक की है, है ना। और मैं दिखाऊं, अगर मैं और दिखाऊं क्या यहाँ पे, या मान लो कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे माउस है, देखो ये भी क्या है, प्लास्टिक फाइबर है। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊं, एक फ़ोन देख लो छोटा सा गरीबों वाला, ये भी क्या है भाई, कोई धातु है ये भी, अब ये नहीं कह सकते कि ये भी प्लास्टिक है, टोटल प्लास्टिक तो है नहीं। या फिर मैं आपको ना दिखाऊं ऐसे भी आप समझ सकते हो, आपके घर में गिलास होगा, बाल्टी होगी, लोटा होगा, हाँ है सबके घर में, बाइक है, कार है, मान लो सबके घर में नहीं है तो रोड पे तो देखे ही हो, आपके आसपास में पेड़ पौधे होंगे, हाँ गाय भैंस होंगी, इंसान होंगे, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं ना, देखो ये सिर्फ और सिर्फ समझना एक कहानी है जैसे सुना रहे हैं दादी माँ की, आप समझ रहे हो ना, जैसे दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी वैसे आपको कहानी सुनना है, उसके बाद मैं इसमें लिखवाऊंगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, PBR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है PBR स्टडी। अब टेलीग्राम क्या है इसके बारे में यूट्यूब पे देख लेना। तो समझो, अमित सिंह बच्चा ज़्यादा कमेंट ना करो भाई, समझो आगे। तो अब अगर इसके बारे में परिभाषा की बात करें, तो कोई भी वस्तु या फिर कोई भी वो चीज़ जिसका अपना कुछ वजन हो, भैया हो, बाबू हो, जैसे ये डिब्बी है तो ये 10-20 ग्राम की तो होगी, होगी ना। तुमको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखो ये 2 किलो का है, देख रहे हो, अब क्या चीज़ है तुम कमेंट करके बताना, ये 2 किलो का है तो इसका भी क्या एक वजन है ना, इसको मैं जहाँ रख दूंगा इतना दूर घेर लेगा कि नहीं भाई, इतनी दूर की जगह ढक लेगा ना, जैसे मान लो यहाँ मैं रख दिया, दिख रहा है का, हाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं रख दिया तो इतनी दूर की जगह ये घेर लिया ना, इसका वजन भी है कितना, 2 किलो। अगर मैं आपको एक चीज़ और इधर साइड में दिखाऊं, तो आप देखो ये कितना है भाई, ये 10 किलो मान लो, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये पदार्थ है, क्यों, क्योंकि उसका एक वजन है, उसको जहाँ रख देते हैं उस जगह को घेर लेता है। आपने कभी सुना है घर में सामान इधर उधर बिखरे हों तो लोग कहते हैं पूरा घर में फैलाए हैं, हाँ सारा सामान पूरे घर में फैला हुआ है। घर में फैला होने पे क्या प्रॉब्लम होती है भाई, सारा सामान अगर घर में, मान लो जितने भी सामान आपके घर के हैं पूरे घर में इधर उधर आपने छीट दिया है कमरों में, तो सारी जगह घेर लेंगे ना, आप आओ जाओगे उसी में गिरोगे, हाँ मुँह टूट जाएगा, दांत निकल जाएगा बाहर, तो नुकसान होगा ना, समझ रहे हो। तो कोई भी वो वस्तु, कोई भी वो चीज़ जिसका अपना भार होता है, हाँ जिसका अपना भार होता है, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, इसे तुम्हें याद नहीं करना है, हो सकता है तुम्हारी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले ही चैप्टर में है, हाँ पहले ही चैप्टर में है। और जो UP बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ये जान लें, बच्चा आपकी बार अधिकांश प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे, मतलब तुमको टिक लगाना रहेगा, समझ रहे हो ना। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया पदार्थ पे आधारित, कि पदार्थ वो चीज़ है, पदार्थ वो वस्तु है जिसमें निम्नलिखित में से हाँ मतलब क्या क्या होता है, तो हो सकता है एक आध ऑप्शन इसमें मिल गया, भार होता है, स्थान घेरता है। सबको समझ में आया, बताओ। प्रतिमा विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग, प्रिया शर्मा गुड मॉर्निंग, मनोज काजल धोनी गुप्ता सबको गुड मॉर्निंग। समझो, टाइम से आया करो बेटा, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें समझ में आया ना आए। क्लास 7 बजे शुरू हो जाती है तो तुमको 7 बजे जुड़ जाना है, लेट में आने वाली आदत छोड़ दो। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर हो नहीं जाती, तुम कर देते हो, समझ रहे हो ना। डिस्टर्ब होता बीच में, तो टाइम पे आया करो, कल से मैं बहुत अच्छे से सुझा दे रहा हूँ। क्लास 7 बजे शुरू होती है तो तुम सबको आकर के 6:50 से इंतज़ार करना है, 10 मिनट इंतज़ार करना है कि एक भी लफ्ज छूटे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ
सभी समझ रहे हो ना? तो एक सुर में सभी बताओ, आपको पदार्थ समझ में आ गया। देखो बहुत मजा आता है मुझे साइंस पढ़ाने में या कोई और सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स बड़ा बोरिंग लगता है ना, हाँ ना, तो उसमें कोई व्यवहारिक चीज़ें दिखती हैं। हाँ इसमें देखो लोटा गिलास उठा के दिखा सकते हैं, ये पदार्थ हैं। अब मैथ में मैं क्या दिखाऊँ, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो फिलहाल साइंस बहुत ही मज़ेदार चीज़ है क्योंकि इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें इसी चैप्टर में मैं आपको दो प्रयोग बताऊँगा घर पर करने के लिए। हाँ बहुत खतरनाक नहीं है, उसमें कुछ तुम्हें खरीदना नहीं है, तुम्हारे घर में ही जो भी पानी है, गिलास है, साबुन है, और भी खाने की वस्तुएं हैं, उन्हीं के साथ में कर सकते हो। और देखो मज़ा भी आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ठीक है ना भाई? कुछ समझ समझ पा रहे हो कि बस ऐसे देखे जा रहे हो? कुछ लोग तो चैटिंग करने के चक्कर में आए, सेटिंग में लगे हैं अपने जुगाड़ में। बेटा तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा करो एक आध मिनट। हाँ चलो समझो, तो अब रिपीट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? रिपीट नहीं करेंगे, जो बोल दिए हैं बता दिए हैं, अब रिपीट करना तो हमारे चैप्टर में नहीं लिखा है। जब क्लास ख़त्म हो जाएगी, हम पढ़ा देंगे 8 बजे तक, उसके बाद स्क्रीन पे आएगा वॉच रीप्ले, तो तुम दोबारा देख लेना वीडियो को, वीडियो चैनल पे रहेगा। हाँ लेकिन 3-4 वीडियो रहेंगे, उसके बाद मैं वीडियो भी हटा दिया करूँगा, क्योंकि जो लाइव में आएगा सिर्फ वही पढ़ेगा। बाद में आकर के तुम डाउनलोड कर लो, इससे मज़ा नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। चलो बात करते हैं आगे टॉपिक पे। तो पदार्थ आप लोग समझ गए, मैटर, व्हाट इज मैटर भाई, व्हाट इज मैटर भाई, मैटर क्या है, मामला क्या है। यहाँ पे मैटर का मतलब मामला नहीं, मैटर का मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या है? कोई भी वो वस्तु, कोई भी वो चीज़ जिसका अपना भार होता है, जो स्थान गिरती है, वो पदार्थ कहलाता है। बस इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। अगर किताबी परिभाषा बताएं तो लिखवाएं भी क्या, आप बोलो यस या नो, साथ साथ में लिखवाते चलें या फिर नहीं। वैसे लिखवाने से क्या मतलब है, आप लोग समझ लो, इसका PDF दे दिया जाएगा आपको, नोट्स दे दिया जाएगा। हाँ बेटा लेकिन एक चीज़ और सुन लो, अगर इसका नोट्स दिया जाएगा PDF, तो उसे तुम्हें लिखना तो होगा अगर पढ़ना है तो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं PDF दे दूंगा, यहाँ पे समझा दूंगा तो तुम दादा जैसे आराम से बैठे रहोगे। बेटा हाथ परीक्षा में चलेगा नहीं, याद रखना, ऑनलाइन पढ़ाई वालों, जब एग्जाम में बैठोगे 3 घंटा तो तुम्हारी अंगुली काम नहीं करेगी अगर नहीं लिखे रहोगे, इसलिए तुम्हें नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, देखो कुछ बता रहे, नहीं मत लिखवाइए। हाँ हाँ, और PDF कहाँ मिलेगी बेटा, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है PVR स्टडी, जो चैनल का नाम है वही नाम टेलीग्राम का है। अब टेलीग्राम चैनल क्या है, कैसे ज्वाइन करें, इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखो खोज के। चलो नाम बता दिया हूँ चैनल का नाम जो है, तो ठीक है मैं लिखाऊंगा नहीं, पहले मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद में पूरा, वैसे जो लिखना चाहे वो लिख भी सकता है, मैं एक बात कोई 2-3-4 बार बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो साथ साथ में, और कापी पेन लेके बैठा करो, टाइटल डाल लिया करो सामने हेडिंग, जिससे जब तुम क्लास से उठो तो तुम्हें मालूम चले आज क्या क्या पढ़ाया है। हाँ ऐसे कथा सुनने नहीं बैठे हो हाथ जोड़ के, अभी शंख बजेगी मिलेगा, मिलेगा नहीं अगर कॉपी पेन नहीं लिए रहोगे तो, समझ रहे हो ना? तो कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी मिलेगा। चलो तो पदार्थ की परिभाषा आप लोग जो लिखना चाहें वो लिख लें, ऐसी प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है। तो अभी कौन नई बला है, अभी तो भार बता रहे थे, द्रव्यमान भार लग दोनों सब एक है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब भाई ये कण क्या है, व्हाट इज पार्टिकल, कण को क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। अब एक इसमें नया वर्ड आ रहा है कण, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले CBSE वाले समझ लें, इसको पार्टिकल बोलते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें घर में देखा होगा, आपके घर में मान लो वो है क्या बोलते हैं, मिट्टी का कोई बर्तन है, आजकल तो ज़माना बदल गया है, अगर हो, या फिर दिवाली में आप देखो हम लोग दीपक जलाते हैं, मतलब जैसे दियाली बोलते हैं, कोई दिवाली बोलता है, कोई दिया बोलता है, जो भी समझो, आजकल तो लोग इलेक्ट्रॉनिक ला ला के अपना यूज करते हैं, उनको दीपक दिवाली से कोई मतलब ही नहीं है, मोमबत्ती जलती है। अगर एक दिया, कोई भी मिट्टी का बर्तन आप उसे तोड़ के देखो, हाँ
और उसे खूंदो अच्छे से, देखो एकदम मिट्टी हो जाता ना, एकदम भूरा भूरा। कोई प्लास्टिक की वस्तु है उसे खूब पूछ दो भैया, खूब लोहा लंगड़ से, तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है ना। इसमें आपको क्या समझ में आता है? अरे तोड़ना नहीं घर में कोई चीज़ नहीं, लात खाओ घर में, मैं तोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पदार्थ छोटे 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 हजार लाखों कणों से मिलकर के तब तैयार होता है। बोलो कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? कोई भी वस्तु है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर वैसे तो मैं दिखाऊं क्या, फिलहाल ये मेरे पास एक डिब्बी है सही की, यही देख लो, अगर इसको गलाया जाए पिघलाया जाए तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगी कि नहीं, टूट जाएगी कि नहीं बताओ? कोई भी वस्तु है अगर उसे नष्ट किया जाए तो उसमें कई पार्ट हो जाएंगे अलग अलग, हाँ हो जाएंगे ना। तो अब बात करते हैं पहले जो आपको समझ में आए, ये आपके समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, ये पता नहीं क्या बता रहा है, छोटा छोटा हो जाएगा। सुनो, कण, कण क्या है भैया? कण तो तुम समझ गए या ना समझो, कण के गुण समझो तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? रवि कुमार आ रहा समझ में? रेणु गौतम, नरेश भाई, एक काम करो आप लोग, पहले तो इस क्लास को सभी लाइक करो और शेयर करके आओ, 200 से ज़्यादा बच्चे चाहिए लाइव, नहीं अब टारगेट ना, अभी इच्छा बढ़ रही, लालच बढ़ रही। चलो सभी एक बार 2 मिनट में शेयर करके आओ फटाफट, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिंक लगा दो कॉपी करके बाबू, जल्दी से करके आ जाओ। उसके बाद फिर हम बहुत ही अच्छे से बिल्कुल दिल से पढ़ाएंगे। देखो कोई चीज़ अगर दिल से करो ना तो बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता है, हाँ कि भाई हमें पढ़ाना है चलो हम पढ़ा देते हैं, नहीं, अगर अंदर से जो आवाज़ निकलती है ना वो अगर सुनोगे ना तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वैसे भी कहना मानना चाहिए, चलो शेयर करके आओ, हाँ सभी जल्दी से फटाफट शेयर करके आओ। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये टाइटल मैं मिटाते जाऊँगा। हाँ तो कणों के गुण अब हमारा टाइटल होगा, जो बच्चे हेडिंग लिख रहे हैं वो लिख लें, पहले शेयर करके आ जाओ भाई, जिससे कि मज़ा आए, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, 100 नहीं अब 200 प्लस बच्चे होने चाहिए। देखो मैथमेटिक्स में बच्चे 200 प्लस थे ना कल, 250 बच्चे भी हो गए थे, 300 ना भाई, ऐसे मज़ा नहीं आती। चैनल पे 3 लाख बच्चे हैं तो कम से कम 3 लाख में से 300, 400, 500 बच्चे तो आने चाहिए ना यार, हाँ चलो फटाफट करके आ जाओ। जो साथी हमारे शेयर करने गए हैं और जो नालायक बचे हैं अब वो ये सोचेंगे भाई ये तो कम हो गए भाग गए, भाई वो शेयर करके फिर आएंगे, तुम भी शेयर कर दो। चलो समझो इधर साइड में, पूनम सिंह क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले पढ़ाने दो, तब क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन होता है। कणों के गुण, या फिर हम कह सकते हैं कणों के गुणधर्म, ठीक है? अब समझो कणों के गुण या गुणधर्म क्या हैं, मुख्य रूप से इनके जो गुण हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। अब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला है, लिखने वाले लिख लो बेटा, ठीक है? ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ जिससे आपको समझा सकूँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कैसे सिद्ध करोगे मैं बताता हूँ, करके देखना, ठीक है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता भैया, रिक्त स्थान होता है। कहोगे ये कौन नई बला है, हाँ आराधना मिश्रा, मैथ का टाइम शाम को 7 बजे, मैथमेटिक्स का टाइम शाम को 7 से 8, साइंस का टाइम सुबह 7 से 8, तुम्हें टाइम याद ही नहीं करना है, दोनों 7 बजे से भाई, एक बार सवेरे 7 बजता है एक बार शाम को 7 बजता है, दोनों टाइम 9th वाले पढ़ने हैं। चलो पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, कहोगे ये कौन नई मुसीबत है, मैं बताता हूँ। अभी तुम सब लोग घर में हो, मुझे एक बात बताओ, तुम सबके घर में पानी है, गिलास है, हाँ है ना, तो जल्दी से फटाफट एक गिलास पानी ले लो अगर है तो, साफ साफ गंदा गंदा नहीं, हाँ सुन लो, चाहे बाद में कर लेना चाहे अभी तुरंत साथ में ही कर लो। सुनो पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, इसको कैसे सिद्ध करोगे, आप एक गिलास पानी लो और उस पानी में, मतलब पानी पूरा भर के नहीं लेना है, एकदम ऊँचा मुच्च की बहरे निकलने लगे, मतलब वो खाली होना चाहिए, आधा से ज़्यादा ले लो या आधा गिलास ले लो, आधा ज़्यादा ले लो ठीक है, और हो सके तो कांच के गिलास में लो,
मतलब यह प्लास्टिक पारदर्शी होना चाहिए, यानी कितना पानी वो भर रहा है बाहर से तुम्हें दिखाई पड़े, समझ रहे हो? मैं ये सिद्ध करने को आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करने को, कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। देखो सीधा सीधा बता दूं पहले, जिससे तुम्हारी जो उत्सुकता है खत्म हो जाए, फिर प्रैक्टिकल कर लेना। आधा से ज़्यादा गिलास में पानी लिया और पानी पारदर्शी है या कांच का बर्तन है जिसमें बाहर से दिख रहा है कि कितना भरा है। यहाँ बोतल नहीं है क्या, लग रहा है मुझे? नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। हाँ तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे संभव जो जो होगा दिखा दूंगा, ठीक है? उसमें क्या करना है, पानी में आपको एक चुटकी या दो चुटकी, हाँ, या मान लो एक चम्मच, मान लो चलो तुम एक चम्मच नमक ला के डालना है पानी में, या फिर पीसी हुई चीनी डाल सकते हो। अब निर्मा नहीं डालना, नहीं तो फेना हो जाएगा, भर जाएगा वैसे ही। हाँ समझो, आप क्या देखते हो भाई, मान लो कोई बर्तन है जिसमें मैंने पानी भरा था आधा से ज़्यादा, और उसमें मैंने कोई वस्तु ला के डाला, तो आकार तो पानी का बढ़ जाना चाहिए ना, बढ़ जाना चाहिए कि नहीं? अब मान लो उसमें एक ला के गेंद डाल देते तो क्या होता, पानी बाहर निकल जाता ना। एक लोहे का कोई वस्तु डाल देते तो पानी बाहर निकल जाता, भर जाता, बह जाता, होता है कि नहीं ऐसा? जैसे आपने सुना होगा जो कौवा प्यासा था, उसने घड़े में कंकड़ ला के डाले और फिर पानी ऊपर आया, फिर पी गया। अगर वो कंकड़ की जगह भूरी भूरी सूखी सूखी, वो क्या बोलते हैं, पिसी हुई मिट्टी ला के डालता तो क्या होता, पानी बाहर आता? शायद नहीं आता, क्योंकि पानी मिट्टी सोख लेती और वो जल्दी ऊपर आता नहीं। लेकिन कंकड़ पत्थर डाला इसलिए पानी ऊपर आ गया, क्योंकि वो सोखा नहीं, उसके बीच में जगह ही नहीं थी। तो सुनो, करना क्या है, पूरी बात सुनो आप सभी। अगर हम उसमें कोई भी एक गिलास पानी है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, समझो यहाँ पे, हाँ, एक गिलास पानी लिया और इसमें ला करके हमने क्या किया, यहाँ तक मान लो पानी भरा है, तुम्हें दिख रहा है? मैं जूम करके दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, एक मिनट रुको। चलो, ये क्या था, एक गिलास था। अब यहाँ पे समझो, एक गिलास क्या है बच्चा, ये पानी है। अब इसमें ला करके जब हमने एक चुटकी या फिर एक चम्मच कोई चीज़ डाला, तो हम क्या देखते हैं कि पानी का जो आकार है वो ऊपर बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता तो वो चीनी या नमक जो भी आपने डाला वो गया कहाँ, सोचो कहाँ गया, बताओ कहाँ गया? क्योंकि पानी और चीनी या नमक जो भी आपने मिलाया, उनके बीच में स्थान है, उनके बीच में जगह है, वो एक दूसरे में मिल गए, इसलिए उनका स्थान नहीं बढ़ा, मतलब पानी का जो आधार था वो नहीं बढ़ा, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि आधा ज़्यादा गिलास पानी भरा था उसमें लाके, अब चीनी ऐसा नहीं कि लाके एक बोरा पलट दो उस पर और ढक जाए गिलास है, समझ रहे हो ना? मैंने कहा आधा से ज़्यादा गिलास में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक या चीनी डालना है, देखना है क्या पानी का आधार बढ़ रहा है क्या। मान लो पहले देखो, बहुत सारे बर्तन आते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, उसमें लिखा रहता है 500 ml, फिर 500.1 ml, 2 ml, मतलब बारीक बारीक लाइनें होती है ना। आपके घर में कोई बर्तन नहीं होगा, ले लेना, प्रैक्टिकल की दुकान पे मिलता है, मतलब जो साइंस वाली दुकानें होती हैं उससे रिलेटेड सामान मिलता है, वहाँ से आप लेके कर सकते हो, करना भी चाहिए, जिससे हमें नई नई चीज़ें सीख मिलती हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे पानी का आकार नहीं बढ़ता है, क्यों? क्योंकि वो पानी और चीनी आपस में घुल गए, उसी में सोख लिए। इसको ऐसे समझ लो, तुम मान लो ट्रेन में या बस में जा रहे हो, अब भाई वहाँ पे 10 लोगों की सीट है, अब 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों की सीट है, 10 लोग बैठे हैं, तुम्हें जाना है, अब तुम्हारा कोई रिलेटिव है या तुम्हारा कोई सगा संबंधी है, तुम्हारा कोई चाहने वाला है, अब कोई जगह तो है नहीं, लेकिन तुम किसी के गोद में जाके बैठ जाओ, समझ रहे हो, किसी के गोद में जाके बैठ जाओ, तो क्या होगा, वहाँ पे स्थान तो उतना ही है, हाँ जगह तो बड़ी नहीं, और उतने में ही तुम भी समा गए, क्यों? क्योंकि तुम कोई नया जगह ले ही नहीं रहे हो, उसी में घुल मिल गए ना। तो बस ऐसे ही हुआ, समझ गए ना? तो ये था इसका जो मुख्य रूप से हमारा बताने का मतलब था। यहाँ पे केवल आपको समझना, एक कहानी है ये, बाद में तुम इसे कर सकते हो। तो पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, ये इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो। आप एक काम और भी कर सकते हो, एक काम और क्या कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो
कि मान लो पानी में पदार्थ जो मैंने बताया चीनी और नमक की जगह तुम थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हो तो क्या होगा? लेकिन ये गड़बड़ होगा, क्योंकि मिट्टी डाल दोगे पानी का जो रंग है वो गंदा हो जाएगा, और फिर आपका जो कितना आकार बढ़ाया घटा कुछ मालूम नहीं चलेगा। लेकिन गांव वाले हमारे देसी लड़के कर सकते हैं मिट्टी गोबर डाल के। हाँ चलो भाई, नीरज मधेसिया बेटा का है, तुम छटपटा रहे हो। हाँ ब्लॉक कर दें का तुम्हें? देखो समझो इधर साइड में। तो ये पहला था जो मैंने आपको बताया, आप लोग इसे कर सकते हो। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, लेकिन हाँ इसमें अभी बहुत चीज बचा है, अभी तो बचा है। और सुन लो कहानी, देखो ये समझने वाली चीज है। तो बच्चा एक गिलास में मान लो आपने क्या डाला, एक चम्मच नमक डाला या एक चम्मच चीनी डाला, तो उसमें कोई आकार नहीं बढ़ा। लेकिन एक दूसरे गिलास में भी पानी ले लो, एक दूसरे गिलास में भी पानी ले लो। एक मिनट में सारे गिलास बना देता हूँ यहाँ पे, समझो। देखो ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है कि बटेगा भी मिलेगा। अगर साइंस पढ़ना है तो समझना होगा। हाँ चलो देखो, ये दो गिलास हो गए, एक गिलास और ले लो। मान लो इसमें पानी यहाँ तक भरा था। हाँ चलो मान लो इसमें पानी यहाँ तक भरा था। अब समझो बच्चा, यहाँ पे समझो समझो, यहाँ पे केवल समझने वाली बात है, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, बटेगा बाद में, पहले समझ लो तब बटेगा। चलो, अरे इसकी पेंदी है, तलाई है। हाँ ठीक है, चलो सुनो सुनो। तो अब क्या करना है, इस गिलास में बच्चा क्या डालना है तुम्हें? मान लो चलो चीनी नहीं, नमक की बात करते हैं। नमक सबके घर में मिल जाएगा, चीनी हो सकता ना मिले। नमक इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाला, एक चम्मच नमक डाला, क्या देखा? पानी का आकार जहाँ तक था वहीं तक है, बढ़ा नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जूम का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हाँ तब आपको क्लियर होता है। थोड़ा सा रुक जा भाई। देखो अब यहाँ पे समझो तुम, नहीं दिख रहा है का? एक मिनट रुक जा, मैं इसको हटा देता हूँ, दिखेगा। लो ठीक है, अब यहाँ से समझो, इसमें एक चम्मच नमक डाला, आप क्या देखोगे? इसका पानी का आकार नहीं बढ़ा। इसमें ला करके आप एक लकड़ी का या लोहे का गुटका डाल दिया, मान लो कोई लोहे का टुकड़ा डाल दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा जरा सोचो भाई। अगर आपने नमक डाला तो उसमें पानी का आकार तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें आपने एक लोहे का इतना बड़ा गोला ला के डाल दिया, या लोहे की कोई वस्तु डाल दिया गिलास में। अरे भाई इतना बड़ा लोहा ना ला के पटक दो, गिलास टूट जाए। नहीं मैं पटकने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, छोटा सा भी टुकड़ा होता है ना, कोई लोहे की पट्टी है या कोई चीज़ है, इसमें आप देखोगे पानी का आकार बढ़ जाएगा तुरंत। बोलो बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ बढ़ जाएगा ना। इसमें देखो आप पानी का आकार, ये रेड वाला मान लो बढ़ गया मैंने माना, तो अगर इसमें तुम लोहा डाल दोगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ पता है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चीनी था या नमक था, सॉरी नमक लिखा है, जो नमक था उसके बीच में, कणों के बीच में क्या है, छोटे छोटे स्थान है, जगह है जिसमें पानी भर गया, वो आपस में एक दूसरे में घुल मिल गए, उसका आकार नहीं बढ़ा था। लेकिन लोहे के बीच में जगह नहीं, उसमें सुराख नहीं है, उसमें कुछ पानी सोख नहीं सकता है कि लोहे का एक पट्टी है या कोई लोहे का टुकड़ा है उस पर पानी डालोगे तो सारा पानी सोख जाएगा, मतलब अंदर में पानी को संभाल लेगा, नहीं उसमें जगह नहीं है। क्योंकि ठोस में सबसे कम स्थान होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है ना, तो ठोस में सबसे कम स्थान होता है, द्रव में उससे ज़्यादा स्थान होता है और गैस में सबसे ज़्यादा स्थान होता है। तो ये चीज़ याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चा, ठीक है, कि ठोस द्रव और गैस इनमें से किसके बीच में सर्वाधिक स्थान होता है, तो ये चीज़ तुम्हें बताना होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठोस द्रव और गैस इन तीनों में से किसके कणों के बीच में सर्वाधिक स्थान होता है? चले आगे, चलो समझ में आया ना। हाँ दूसरे में गैस वाले में क्या डालोगे भाई? गैस वाले में सिंपल सी बात है, देखो जब हम लोग जहाँ खड़े हैं या घर में हैं, कहीं हवा है वहाँ पे कि नहीं,
ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन भी क्या है, एक प्रकार की एक गैस है ना। तो अगर उस पानी को ले जाके किसी हवादार जगह में रख दो जहाँ पे हवा है, या मतलब हाँ गैस ही मान लो तुम, चलो कमरे में रख के गैस खोल दो, करना नहीं है सब, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये गैस वाला नहीं करना, ये खतरनाक है, मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो क्या गैस अगर भाई कमरे में है तो गिलास में भी तो घुसेगी, घुसेगी ना। या फिर मान लो यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे हवा है, अब मान लो मैं एक गिलास में पानी लेके आता हूँ, तो हवा जो है हर जगह होती है ना। आपने देखा होगा कोई कोई वस्तु में जिसमें गैस वगैरह भरते हैं, उसमें कहते हैं ना ऑक्सीजन बाहर निकाल के तब भरते हैं, तो उसमें पानी का आकार नहीं बढ़ता है ना। ऐसा नहीं कि हाँ गिलास भर गया पानी से, नहीं ना। तो ऐसे समझ लो कि अगर कोई गिलास में पानी है, उसमें थोड़ी सी गैस ला के डालते हो कोई प्रकार की, तो पहली बात तो गिलास में वो गैस रुकेगी नहीं, उड़ जाएगी वैसे ही, लेकिन उसके आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मोटी मोटा, बाकी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप समझेंगे। आपके लिए यहाँ पे पॉइंट की बात क्या है वो समझ लो कि ठोस में सबसे कम स्थान होता है, हाँ ठोस के पदार्थ के कणों के बीच में सबसे कम स्थान होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है, और गैस के कणों के बीच में सर्वाधिक स्थान होता है। ये हो गया आपका पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, स्थान होता है। राज पटेल बेटा तुम्हें एकदम से ब्लॉक कर देंगे, परमानेंट ब्लॉक कर देंगे, तुम समझ लो अपनी मेरी बात को, हाँ पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, और फिर तुम जाओगे अपना तड़पड़ाओगे, हाँ क्योंकि तुम्हें पढ़ना है नहीं, हाँ पिल्ला पिल्ला भर के हैं, कह रहे हैं बीएफ, हाँ मतलब क्या करोगे तुम अपनी लाइफ में, तुम्हें कुछ मालूम है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये। अगला इसमें एक और भी आप लोगों को गुण में इसको नोट करना है, जिनको लिखना है आप लोग लिखते भी चलो, नहीं तो पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे, ये जो मैं बता रहा हूँ तुम सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो गति करते रहते हैं। आप कहोगे कि काहे मोबाइल यहाँ रख दिए तो का सुबह उठ के बाहर चली जाती है, का नहीं जाती है ना, घर में एक बाल्टी पानी रखा है तो पानी वहीं रखा रह जाता है ना, ऐसा नहीं कि सुबह बाथरूम में चला जाता, अपने खुद से नहीं चलता ना, हाँ खुद से नहीं चलता है, लेकिन पदार्थ क्या होते हैं, इनके कण जो हैं वो गतिशील होते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा अच्छे से समझो। सबसे पहला एग्जांपल ये है, क्या आप कभी दिया जलते देखे हो, दीपक, जो पहले के ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे भैया कक्षा 10 तक, तो मिट्टी का तेल, एक छोटी सी इतनी बड़ी डिब्बी होती है कांच की, उसमें एक ढक्कन लगा होता टीना का, उसको छेद करके उसमें एक कॉटन की, कॉटन मीन्स बोलें तो सूती की बाती डालते थे। हाँ कभी कभी हम लोग घर में मान लो अगर वो डिबरी खराब हो गई तो कोई भी बाती डाल देते थे, मतलब जो भी कपड़ा मिल जाए कहीं से फटा पुराना, तो वो जलता ही नहीं था, बुझ जाता था। तो दादी बोलती थी करे ये सूतिक ना हो जो डाले जाए, ये नहीं जलता है, आप समझ रहे हो ना। तब हम लोग पूछते थे कि भाई सूती वाला कौन है, तो कहती थी जो बनियान वगैरह होती वो सूती होती है, तो उसका कपड़ा ला के उसमें क्या कर रहा, डिबरी में डाला जाता है, तो वो नीचे तेल भरा रहता है, वो जलता है। ये इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे तेल भरा है और उस जो सूती का बाती या फिर जो भी चीज़ पड़ा हुआ है उसके माध्यम से वो ऊपर को तेल जाता रहता है और ऊपर जलता रहता है, बाकी ऐसा नहीं कि उसमें कोई पाइप लगी होती है, आप समझ रहे हो ना। तो ये एग्जाम्पल आपके कम समझ में आया होगा, हर बच्चा डिबरी देखा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मॉडर्न जमाने में जो अभी पैदा हुए हैं हाल ही में, दो चार दस बीस साल में, भाई 20 साल तो नहीं बोलेंगे, मान लो 10-15 साल में, तो 10-15 साल वाले कम समझ पाएंगे क्योंकि वो डिबरी नहीं देखे होंगे, वैसे विशेष रूप से जो शहर से हैं वो भी अधिकांश कम ही देखे होंगे। तो अब दूसरा प्रैक्टिकल समझ लो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि आप एक गिलास पानी लो, आप कहोगे हर सब में एक गिलास पानी ही लिवा रहे हो काहे, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। एक गिलास पानी लो और पानी को एक मेज पे ले जाके रख दो,
हाँ समझ रहे हो ना, कर लेना है इसको। अगर करना चाहोगे तो बहुत सस्ते में हो जाएगा, घर में सारे वस्तुएं हैं, खुद प्रैक्टिकल कर लेना, मुझे बताना कल। और हाँ एक बात और, जो बच्चे करेंगे ना वो फोटो खींच के भेजेंगे, नीचे नंबर जो चल रहा है उस पर हम देखेंगे कौन कौन प्रैक्टिकल कर रहा है। सुनो ध्यान से सुनो, तीसरी सॉन्ग ये बेटा बता रहे पानी में स्याही डाले। हाँ ठीक है, तुम पढ़े हो, अच्छा बात है। चलो सुनो, जरूरी नहीं कि तुम स्याही डालो, रंग भी डाल सकते हो। एक गिलास पानी लो, उसे टेबल पे रख दो, बिल्कुल हीले डोले ना, क्योंकि भाई गिलास में पानी लोगे पहले तो वो छलकता रहेगा, मतलब हल्का फुल्का तो हिलता रहेगा। तो उसे क्या करना है, किसी एक शांत जगह पे रख देना है, वहाँ पे कोई शरारती आदमी ना हो जो उसको गिरा दे, धकेलने वाला बच्चा ना हो। कुछ देर में आप देखोगे पानी एकदम शांत हो जाएगा, हीले डोलेगा नहीं। और उसके बाद आराम से उसमें एक किनारे एक दो बूंद स्याही या रंग, आप कोई चीज़ डालो जो कलरफुल हो, ठीक है, और वो द्रव अवस्था मतलब गीला हो। आप क्या देखोगे बताओ? मैंने बार बार बताया कि ये सारे प्रैक्टिकल करने के लिए जो बर्तन लोगे वो पारदर्शी होना चाहिए, बाहर से दिखना चाहिए। आप थोड़ा देर बाद देखोगे वो कलर पूरे गिलास में फैल जाएगा। करके देख लेना, सबके घर में रंग थोड़ा ऐसा ही मिल जाएगा, नहीं तो दुकान से ले आना 2-4 रुपए की। और उसमें आप क्या देखोगे, वो रंग जो है पूरे मतलब गिलास में फैल जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? हमने ना उसको हिलाया, ना उसको चम्मच डाल के घुलाया, कुछ नहीं करा, अपने आप क्यों फैल गया? क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, तुम्हारे जैसे आलसी नहीं होते हैं, पड़े रहें बिस्तर पे 10 बजे तक। समझ रहे हो ना? कुछ समझ में आया? हंस यादव, तो आप लोग इसको कर सकते हो ना? मुझे बताओ कौन कौन ये कर सकता है, पानी और स्याही वाला, या फिर कलर? भाई ऑप्शन है, चाहे तुम्हारे घर में मेहमान लोग कलर हैं, स्याही नहीं है तो वही डाल सकते हो। इसको तो मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ, ये स्याही भी है मेरे पास में, लेकिन आप पानी वानी लेके आए कैमरे में क्या मतलब है, वो इतना अच्छा आएगा नहीं। तुम खुद से कर लेना, समझदार हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। हाँ जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हमारी कोशिश होगी जो कुछ हो सकेगा वो प्रैक्टिकल मैं तुम्हें दिखा दूंगा सामने। उसके लिए कैमरे का सेटअप जो है मेज पे फोकस करना पड़ेगा, बोर्ड पे नहीं, क्योंकि यहाँ हम तुमको इसी गिलास उठा उठा के नहीं दिखाएंगे भाई, कहीं स्थिर जगह पे रखेंगे ना। तो कर लोगे ना सभी? यश राज सिंह, यदुवंशी आदित्य, हंसराज, राजकुमार तिवारी, अंशु, चिंटू, शशांक, विवेक, ओम, शंकर, रंजू, अंश, रवि, रेणु, काजल, सभी कर लेंगे। वाह कितने अच्छे बच्चे हैं। और कुछ ऐसे भी गधे हैं जो हाँ हाँ बोल रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, मुझे पता है। ये सब करने वाली चीज़ थोड़ी है, उनको इसमें मज़ा नहीं आएगी। चलो तो ये हो गया आपका दो। अगला बच्चा इसमें तीसरा लिखो। ये दो गुण हो गए भाई, कौन गिर रहा है इधर? कभी तुम काहे उठा था इतना देर तक, चल गिर जा। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा ये बताओ इसमें कौन कौन किताब कॉपी लिया भाई? हाँ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो समझो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको कैसे करोगे भाई? कुछ समझ में आता है तुम्हें कोई ऐसा चीज वस्तु जो एक दूसरे को आकर्षित करे? आकर्षित करने का मतलब जैसे देखो तुम चैटिंग कर रहे हो, अब तुम्हें कोई आकर्षित कर रहा है, तुम उसके चैटिंग में लगे हो। हाँ समझ रहे हो ना? बस तुम भी क्या हो, एक पदार्थ हो मान लो। लेकिन का क्या है भैया, तीसरा गुण, आज आपका लाइव भी तीसरा है साइंस का, ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, याद रखना ठीक है। NCERT साइंस। ये बताओ NCERT का फुल फॉर्म जानते हो? कोई जानता है तो बताए, उसके बाद आगे बात करते हैं। इनके तीसरे गुण क्या है भैया? पदार्थ के कण कण एक दूजे को, यहाँ दूजे नहीं लिखोगे लेकिन, दूसरे को आकर्षित करते हैं।
अट्रैक्टिव करते हैं। हाँ तुम भी तो अट्रैक्टिव होते हो ना, कहीं जाते हो स्कूल कॉलेज कोचिंग। तो देखो समझो, पहले तुम भी एक पदार्थ हो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल कैसे इसे करोगे? देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जो आपके बुक में या फिर आपके समझने लायक है उसी के आधार पर बताऊंगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं? देखो बच्चा सुनो, इसके कई एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे। आपके सबके घर में, चाहे गांव में हो या शहर में हो, नल लगा होगा, टोटी होगी पानी की। आप उसमें जाओ और जैसे ये पानी की, मान लो ये क्या है भैया, पानी यहाँ से गिरता है, ये नल है। हाँ ऊपर से मोटा कर लो, ये क्या आपका नल है, जो भी समझ लो जैसे भी हो। हाँ अच्छा तो नहीं बना है, मान लो इस पे से क्या है पानी गिर रहा है। अब तुम अपनी अंगुली यहाँ पे लगाओ तो क्या होगा, पानी गिरेगा हाथ पे और दो तरफ बट जाएगा ना। बोलो होगा कि नहीं? दो पार्ट में बट जाएगा। अगर नल टोटी के नीचे ऐसे अंगुली लगाओगे, पानी गिरेगा तो दो पार्ट में बट जाएगा, आधा इधर आधा इधर, लेकिन नीचे आके उसकी धारा फिर एक हो जाएगी। बोलो ऐसा होता कि नहीं? ऐसा नहीं कि उसमें चिपका के इसे लगा दो तब तो फिर वो एक ही तरफ को भागेगा या दो तरफ को जाएगा, वो अलग बात है। आप थोड़ा दूर लगाओगे उससे। हाँ तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पानी ऊपर से गिर रहा था, बीच में हमने उंगली लगाया या कोई वस्तु लगाया, वो पहले तो दो पार्ट में बट गया इधर उधर, लेकिन नीचे आके फिर एक में मिलके गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पानी के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इस वजह से वो दो पार्ट में बटा था लेकिन एक में हो गया। इसका दूसरा उदाहरण ऐसे देख सकते हो आप किसी नदी या तालाब में जिसमें पानी बहता रहता है, उसमें देखो अगर आप लाठी मारो तो क्या होता है भाई, कभी करके देखना। अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा है, जैसे कहीं कोई छोटा सा गड्ढा है उसमें कम पानी है, आप किसी लाठी या डंडे किसी वस्तु से खूब तेज से मारते हो तो क्या होता है, एक बार पानी दोनों तरफ भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो मतलब उसका थोड़ा सा कुछ सेकंड का अंतराल होता है तुरंत फिर भर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब उस पे दाब पड़ा, कोई वस्तु गिरी, तो पानी दो पार्ट में बट गया, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड बीता फिर एक में मिल गया, क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जोड़ के रखते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे अब एक एग्जाम्पल व्यवहारिक रूप में और भी ले लो, तो तुम हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, हाँ वो नालायक टाइप का है, तुम्हारे घर वाले चाहते हैं उससे अलग करना, कि बच्चा देखो वो पढ़ता लिखता नहीं है, इधर उधर करता है, तुम उससे अलग हो जाओ, उससे मिलना नहीं आज से, तो तुम क्या करोगे, मान जाओगे क्या? नहीं ना, तुम एक दूसरे को क्या करोगे, आकर्षित करोगे, कहीं ना कहीं चोरी चुपके फिर से मिलोगे, है ना, मानने वाले हो नहीं। तो बस वही बात है, समझ गए ये एग्जाम्पल। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, आप लोगों को इसका जो नोट्स है वो PBR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। कुछ बच्चे डंडा किए रहते हैं, सर आज नोट्स नहीं मिला, नोट्स नहीं मिला। अबे गधे, जब एक का दो टाइटल पढ़ाया गया तो क्या उसका नोट्स तुरंत मिल जाएगा? पहले पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके एक दो दिन के अंदर ये पूरा मिल जाएगा। और हाँ, जो लिखना चाहते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ उसके आधार पर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें नोट्स मिले तभी लिखेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें उसमें लिखी भी होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो बच्चा देखो समझो, यहाँ पे फालतू का कमेंट ना करो। देखो कुछ बर्थडे मना रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या कमेंट किए जा रहे हैं। हाँ बेटा समझ लो, समझ लो, संतोष मिश्रा यही तुम्हें बर्थडे मनाना है। हाँ पढ़ना लिखना है तो पढ़ लो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। मतलब इनको मालूम है कि ना पढ़ना है ना पढ़ने देना है, कमाल है। चलो देखो इधर साइड में, अभी अभी हम सारा बर्थडे मनाएंगे तुम सब लोग का, रुको थोड़ा सा। तो ये आपका पॉइंट खत्म होता है। अगला पॉइंट क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। आप लोग हेडिंग डालो पदार्थ की अवस्थाएं। अच्छा कोई इसमें मुझे बताए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाँ कोई बताएगा भाई? चलो बताओ, लल्लू तुम ही बताओ, अरे बर्थडे वाले तुम ही बताओ। चलो संतोष मिश्रा, कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाँ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
रवि किशोर बोल रहे हैं कि भाई फ्रेंड को तो छोड़ देंगे लेकिन गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। बेटा गर्लफ्रेंड ही तुमको छोड़ेगी, फ्रेंड तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हारी सोच जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ही नहीं है, तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। अभी कमेंट जो 15 सेकंड में कर रहे हो ना, अभी हम 5 मिनट में कर देंगे तो फिर तुम खूब अच्छे से कर लोगे। चलो देखो, सब बता रहे हैं 3 लेकिन गलत है, गलत है। लिखो, हेडिंग डालो, पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं। जैसे देखो इंसानों की अवस्थाएं होती है ना, किशोरावस्था, हाँ, बुढ़ापी आती है, और समझ रहे हो ना, ढेर सारी अवस्थाएं होती हैं। बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ा होता है। तो वो सब नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो जो बच्चे 3 बता रहे हैं उनका गलत है, उनका गलत है। क्यों? क्योंकि पदार्थ की कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन उनका सही भी है। सही क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में जो NCERT पाठ्यक्रम में है वो 3 ही अवस्थाएं हैं, ठीक है। टोटल तो 5 होती है भाई, सूरज सिंह बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 3 ही अवस्थाएं दिया गया, आपको पढ़ना 3 ही है, ठीक है। मनोज यादव, रूपेश, टी सीरीज, विजेश, ठीक है, पूजा दंगी, लीजेंड गेमिंग, चलो श्याम सिंह, समझो फिर इनकी। अच्छा, 5ों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कोई बताएगा? नाम बताओ जल्दी से। तो देखो मैं बताता हूँ, चलो कोई बताए एनीवन, इनकी सारी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, नाम बताओ भाई। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। बच्चा एक थी और होता है इसके, चौथी होती है प्लाज्मा अवस्था, और 5वां होता है आपका, बड़ा खतरनाक नाम है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन कंडेंसेट, ये मुख्य रूप से पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बच्चा यहाँ पे पढ़ना तो तुम्हें 3 है, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रविराज, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। अनुराग, वेरी गुड। दीपक कुमार, DK, ठीक है। देखो भैया, आप लोग क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं करो बाबू तो जल्दी से कर दो, आपकी जिम्मेदारी है ये, समझो और हम आपको समझें। आपकी बची हुई जो भी सब्जेक्ट की क्लासें नहीं हो रही, हमारी कोशिश है, हम टीचर व्यवस्था करेंगे, वो भी चलाएंगे, सब कुछ चलेगा। कोरोना वगैरह तो नॉर्मल लगभग हो गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के मन में भय रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल अभी सही उतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो आप लोग क्या करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, चैनल को जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो कमेंट कर पाए, जिससे आपकी सारी क्लासें फ्री यूट्यूब पर चल सकें, फिर आपको कहीं भी 1 रुपया पेमेंट करके ना पढ़ना पड़े। हाँ, तो जल्दी से पहले तो लाइक कर दो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, बहुत जल्दी करो। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं पहले क्लास को तुरंत लाइक करें, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, आगे बात बढ़ाते हैं। देखो बच्चा, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो ध्यान दें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर दोबारा कमेंट करें तो कमेंट होने लगेगा, क्योंकि ऐसा सेटिंग किया गया है कि जो नहीं सब्सक्राइब कर रहा है वो कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चा। तो जिनकी शिकायत है कमेंट नहीं हो रहा है, वो तुरंत कर लें चैनल को सब्सक्राइब, जिससे वो कमेंट कर पाए। हाँ, ठीक है, बात करते हैं अवस्थाओं के बारे में। ठोस, द्रव और गैस, सबसे पहले ये तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना, ये क्या है? एक बोतल है, बॉटल जिसे बोलते हैं। ये क्या है? ये उसका बच्चा है, छोटा वाला, मतलब उससे छोटा है ना। इसमें देखो ये किस अवस्था में है, कुछ बताएगा भाई? ये बोतल किस अवस्था में है और ये छोटका बच्चा किस अवस्था में है? अगर आप इसे देखो अच्छे से तो ये कहें तो ये दोनों अवस्था में है। कैसे भाई? जो ऊपर का बोतल है वो तो ठोस अवस्था में है, लेकिन इसमें भरा हुआ पानी किस में है? द्रव अवस्था में, समझ रहे हो ना। तो बात करते हैं एक एक के बारे में अच्छे से, यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है, समझ के चलो। इन दोनों को यहाँ से हटा दो, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। हाँ,
चलो इन तीनों से मतलब है, तो जिससे मतलब है आजकल लोग उसी से मतलब रखते हैं, बिना मतलब के लोग किसी से मतलब भी नहीं रखते है ना। चलो तो कोई बताएगा ठोस अवस्था क्या खासियत होती है। जानू राय, भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें सिर्फ जानू बोला जाए तब भी ठीक है। दीपक, हिमांशु शर्मा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे शेयर कर दिए उनको दिल से धन्यवाद, और जो गधे शेयर नहीं कर रहे हैं उनको मैं क्या कहूँ, भगवान ही जाने। तो ठीक है, हमारा नाम है राजकुमार, अरे जी राज के यू एम ए आर कुमार वाई ए डी ए वी यादव, ठीक है। चलो तो ठोस अवस्थाएं इनकी खासियत क्या है, देखो बच्चा जो ठोस अवस्थाएं होती हैं इनकी कुछ खासियत होती है, क्या खासियत है, इनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होने का मतलब जान रहे हो, जैसे ये बोतल है ना, तो ये जैसे बना है ना एक कल भी ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रख देंगे अगर अच्छे से सीधे समधि धारण का बोलते हैं, तो ये कल भी ऐसे रहेगा, परसों भी ऐसे रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। अगर इसे हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे टेढ़ा मेढ़ा, तब वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, लेकिन द्रव अवस्था जो पानी है, पानी वैसे नहीं रहेगा, अगर मतलब इसमें से हम पानी को निकाल लें किसी बर्तन में ना रखें, तो पानी का जो आकार है वो निश्चित नहीं रहेगा। क्यों भाई, निकाल के तुम अगर फर्श पे पलटोगे तो क्या होगा, बह जाएगा, हाँ गिराओगे यहाँ चला जाएगा वहाँ दूर तक। तो ठोस जो होता है उसका क्या होता है, पहले तो आकार निश्चित होता है, क्या होता है, आकार निश्चित होता है। भाई इसके ढेर सारे गुण हैं, इसके ढेर सारे प्रॉपर्टी हैं, मैं एक एक के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, हाँ एक एक के बारे में चर्चा करूंगा। और क्या होता है, कोई दूसरा बताए, और क्या होता है ठोस अवस्था के गुण, भाई बताओ पंकज। ठीक है मैं कमेंट देख पा रहा हूँ तुम्हारा। चलो ठोस को जो है संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, एक प्रकार से अगर बोलें तो दाब नहीं दिया जा सकता है ना, कि किया जा सकता है, असंपीड होता है। ऐसा नहीं है कि ये ठोस अवस्था है इसको हम अगर दबा दें तो ये क्या होगा, कुछ दूसरे अवस्था में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा क्या, नहीं ना, फूट जाएगा भले, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। हाँ लेकिन इसमें आप लोगों का एक और भी सवाल होगा, रबड़, जो रबड़ होता है बच्चा, रबड़ भी होता है ठोस अवस्था है, लेकिन उस पर जब दाब दिया जाता है तो क्या होता है, उसका आकार चेंज होता है, छोड़ने के बाद फिर वैसे हो जाता है, तो रबड़ अलग चीज़ है। लेकिन आप मान लो ये मोबाइल है, इसको क्या करें, हम संपीड करें, किसी मशीन से दबा दें तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन ये अपनी आदत नहीं बदलेगा। तो पहला है ठोस का जो गुण है, ठोस का आकार निश्चित होता है, हाँ दूसरा इसका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब जान रहे हो, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इसको जहाँ रखेंगे ये उतने ही जगह लेगा, निश्चित आयतन है बोतल की बात करें तो, हाँ लेकिन जो द्रव होता है, कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लो दूध ले लो आप एक लीटर, अगर उसे तुम एक बोतल में भरोगे, भाई फिर से आ गया बोतल ही हमारे पास है, तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा भाई, ऐसे लंबा लंबा, और लेकिन अगर उसी दूध को एक कड़ाही में पलट दोगे तो ऐसे फैल जाएगा गोला गोला, है ना, और अगर उसी दूध को तुम पाइप में डालोगे तो पतला सा पाइप के आकार का हो जाएगा, अगर उसे तुम फर्श पे गिरा दोगे तो क्या होगा, फर्श पे फैल जाएगा। मतलब जैसी अवस्था होगी उसी के मतलब आयतन वो ले लेगा, समझ रहे हो ना। तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, ये जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आयतन ले लेता है, उसी का आयतन धारण कर लेता है, समझ गए ना। ठोस का आयतन निश्चित होता है, इसका आपको PDF मिल जाएगा PBR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, छापने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल समझ लो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब बताया जाता है ना तो बहुत परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं हम तो लिख ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ लिखने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो बच्चा अगर तुम भी लिख रहे हो तो लिखो ना, हम बोल रहे हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, अगर तुम्हें नोट्स नहीं मिलता है तो संपर्क करना, उस पर भी अलग से भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी PBR स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा, आप लिख लेना आराम से, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं,
इसके बाद इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी आती है, इसकी बीमाएं निश्चित होती हैं। हाँ बीमाएं जानते हो ना, नहीं जानते हो तो बताना, बताने की कोई बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और क्या होता है, आयतन हो गया, आकार हो गया, और हाँ ठोस जो है वो कठोर होता है। कठोर होता है मतलब जान रहे हो, हमारे पास यहाँ ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं कि मैं तुम्हें दिखाऊँ। हाँ मान लो यही बुक है, ये क्या है, ये भी क्या एक प्रकार से ठोस है कि नहीं। हाँ भाई द्रव तो है नहीं ना, गैस है, तो ये ठोस ही में आएगा। ये क्या होता है, कठोर होता है। कठोर का मतलब जैसे मैंने इसको पकड़ा तो ऐसा नहीं कि इसको मैं दबाऊं तो ये इतना हो जाए, नहीं होगा ना, जैसे है वैसा ही रहेगा। तो ठोस क्या होता है, कठोर होता है। ठोस का और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले लो, आपके घर में टेबल रखी होगी, आपके घर में वो ईंट पत्थर मिल जाएगा कहीं, कोई लकड़ी ले लो, ये सभी क्या है, ठोस वस्तुएं हैं। इनके आयतन आकार निश्चित होते हैं, इनको संपीड नहीं किया जा सकता है, असंपीड होते हैं, और इनका सारी प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया है ना। हाँ इनके कण पास पास होते हैं, बहुत से बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठोस में जो होता है उनके कण पास पास होते हैं, मतलब एकदम सटे होते हैं एक दूसरे में, इसी कारण से वो एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, समझ रहे हो ना, एकता बनी रहती है। लिखें इसको, लिखने से तो कोई फिलहाल मतलब है नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, लिखा जाए क्या, हाँ लिखा जाए क्या, लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। देखो क्या क्या पढ़ना है, ठोस में आकार आयतन सब में यही पढ़ना है, आयतन और क्या है, आकार आयतन और कठोर होते हैं, ये भी हो गया। चलो द्रव की बात करें, द्रव में आ जाओ, तो भैया जो द्रव होता है बच्चा, द्रव का आकार निश्चित होता है क्या, कोई बताए, द्रव का आकार निश्चित होता है क्या, हाँ बोलो, नहीं द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, अगर एक देखो यार फूटा फूटा मग्गा रखा है, इसे तुम्हें दिखा दूंगा, बेइज्जती नहीं करना, अगर हमने इस पानी को जो इसमें रखा है, देखो समझो ये पानी है ना, ये किस आकार में है, तुम अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये लंबा लंबा भरा जैसे बोतल है उसी आकार में ना, लेकिन अगर मैं इसी पानी को इस बॉटल में डाल दूँ तो फिर पानी का आकार इस मग्गे के आकार का हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और अगर इसी पानी को मैं इस कटोरी में डाल देता हूँ, देखो समझो, अगर इसी पानी को मैं इस कटोरी में डाल देता हूँ तो ये पानी कटोरी के आकार का हो जाएगा, यानी इसका आकार निश्चित नहीं है, समझ रहे हो ना। तो द्रव का बच्चा आकार निश्चित नहीं होता है, यानी अगर इसे हम पलट दें जमीन पे तो ये जमीन पे फैल जाएगा, द्रव का यानी लिक्विड का कोई भी आकार नहीं होता है, जहां भी इसे रखोगे उसी आकार का हो जाएगा। हाँ लेकिन दूसरा नंबर आता है आयतन, कितने बच्चे कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो निश्चित होता है, क्या इसका आयतन निश्चित होता है, मनु राजपूत, मनोज, पुष्पा, रवि, बताओ, ब्रोडिस, बेटा ब्रोडिस तुम तो बहुत दांत निकाल रहे हो, हाँ आयतन निश्चित होता है या नहीं होता है। देखो बात करते हैं आयतन की, भैया इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन का मतलब जानते हो, वॉल्यूम, भाई ये एक बोतल पानी है इसमें है, अगर मैं इसे बाल्टी में पलटूंगा तो का दो ही बोतल हो जाएगा, एक क्या बोतल रहेगा ना, एक लीटर पानी है, अगर ये बोतल इसमें बोतल में भरा है, बोतल में है तो एक लीटर है, इसे बाल्टी में पलटूंगा तब भी एक लीटर रहेगा ना, अगर मैं इसे कटोरी में भर भर के रख दूंगा अलग अलग तब भी एक लीटर रहेगा ना कुल, ऐसा तो नहीं कि दो लीटर हो जाएगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। हाँ लेकिन सर था ये नहीं कि तुम भरते समय आधा बाहर गिरा दो आधा अंदर, तो कम हो गया, हाँ समझ रहे हो ना। अगर सावधानी से इसे बर्तन में चेंज करते हो तो इसमें क्या होगा, इसका आयतन जो है वॉल्यूम वो क्या है, निश्चित होगा, घटे बढ़ेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना। अंकित सिंह, वीरेंद्र पासवान, अजीत चौहान, कुछ लोग तो चैटिंग करने में खूब मस्त हैं, बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है, मैं देख रहा हूँ, कर लो बेटा कर लो कर लो, बाद में पछताओगे, तुम धोखा दे रहे हो अपनी जिंदगी को, अपने माँ बाप को। ठोस में बहाव नहीं होता है, अब कहोगे आप गैस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो, हाँ
गैस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। चलो भाई सबकी बात कर लेते हैं। ठोस में बहाव नहीं होता है, द्रव में क्या होता है? बहाव होता है। और गैस में क्या होता है? गैस में भी एक प्रकार बात करें तो होता है। कैसे? गैस भी द्रव अवस्था में की जा सकती है ना, और उड़ती है वो फिलहाल। बहाव की बात करें तो एक प्रकार से होगा भी, नहीं भी होगा। और अगर बात करें संपीड, तो द्रव क्या होता है? कम संपीड होता है, कम संपीड होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो आपने देखा होगा गैस जो होती है आपके घर में, सबके घर में गैस होगी ना, सिलेंडर होगा, तो गैस सिलेंडर जाना अपने घर में उठा के देखना उसको, अगर उठा पाना तो ऐसे ऐसे अगर करोगे लगेगा उसमें पानी भरा है। भाई जो स्टूडेंट कमरा वमरा लेके रहते हैं, या फिर आपके घर में छोटा वाला सिलेंडर होगा तो उसे आप आराम से उठा के ऐसे ऐसे कर पाओगे। हाँ, उठा के अगर उसे तुम ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो तुम्हें लगेगा इसमें पानी भरा है। वो पानी नहीं, वो गैस ही है। वो संपीड करके द्रव अवस्था में करके तो सिलेंडर में भरी जाती है। ऐसा नहीं कि हवा के रूप में भर दी जाती सिलेंडर में, वो लिक्विड फॉर्म में होती है गैस सिलेंडर में। लेकिन जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब वो गैस बन जाती, उड़ती है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो द्रव कम संपीड होता है, ठोस बिल्कुल संपीड नहीं होता है, और गैस अधिक संपीड होता है। ये उनकी संपीड अवस्थाएं हैं। फिलहाल आप लिखने के लिए टेंशन मत लो, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। पीबीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल बेटा टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन क्लास को पूरा देखो, समझ लो एक एक पॉइंट को, जहां ना समझ में आए बताओ। समझे रहोगे परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, आप खुद से कर लोगे। और बच्चा अगर नहीं समझे रहोगे, सिर्फ छापने के चक्कर में रहोगे, तो ना तो तुम छाप पाओगे और ना परीक्षा में कुछ कर पाओगे, फिर रोओगे बस। हाँ, इसलिए समझो बस, ठीक है? आगे बात करते हैं। द्रव अवस्था चल रहा था ना, आयतन निश्चित होता है, हो गया इसका सब कुछ। अगर गैस की बात करें तो गैस का आकार निश्चित होता है। बताओ सभी बच्चे, बताओ गैस का आकार निश्चित होता है? हाँ, क्या मिटाऊं इसमें? नहीं, गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता। जैसे मान लो मैंने कई बार बताया, हजार बार बताया, फिर से बताऊं, ये पेन है ना, पेन ठोस है, इसका आकार निश्चित है कि ये लंबी लंबी है। ऐसा नहीं कल गोल गोल हो जाएगी, लंबी ही रहेगी ना। लेकिन गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस मान लो तुम जिस बर्तन में रखे हो उसी आकार की तुम्हें दिखेगी ना। हाँ भाई, छोटे वाले सिलेंडर में रखोगे तो उसका आकार छोटे रूप में हो जाएगा, यानी उतने में ही हम आ जाएगी। अगर उसे तुम बड़का सिलेंडर में रखोगे तो क्या होगा? बड़े आकार में आ जाएगी। अगर उसे पतले सिलेंडर में रखोगे तो पतले आकार की हो जाएगी। चौड़े वाले सिलेंडर में रखोगे चौड़े रूप में हो जाएगी। यानी गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। और आयतन, भैया आयतन भी इसका क्या होता है? निश्चित होगा क्या गैस का? सभी बच्चे बताओ। हाँ, बोलो जल्दी बताओ। इसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ये बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, बीमाएं भी इसकी निश्चित नहीं होती हैं। बहाव इसमें क्या होता है बताओ? देखो जो बच्चे कमेंट में बहुत सारे चैटिंग कर रहे हैं, बच्चा केवल पढ़ाई कर लो तो अच्छा है। हाँ, पढ़ाई कर लो तो अच्छा है। अगला क्या, इसमें संपीड किया जा सकता है, इसको अधिक संपीड किया जा सकता है। आप देखते हो गैस को क्या करते हैं भाई, उसको द्रव अवस्था में करके सिलेंडरों में भरते हैं संपीड करके। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया ठोस द्रव और गैस के बारे में, ठीक है? आयतन अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है? राजकुमार तिवारी, ठीक है, बहुत अच्छे। हिमांशु वर्मा, गणेश, काजल कुमारी, अजीत, मोहित, संकेत, शंकर, नीरज, ठीक है। हाँ, कणों की स्थिति के बारे में बात नहीं की है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं। तो बच्चा गैस में कणों की जो स्थिति है बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में इनके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण भी नहीं होता है, ये बिल्कुल निर्मोही होते हैं। सेम वैसे जैसे तुम ऐसे समझ लो सिलेंडर में गैस निकल रही है, उस पर तुम उंगली रखो तो आधी गैस इधर उड़ जाएगी आधी उधर उड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि कमा के मिलेगी, नहीं, एक में नहीं मिलने वाली है, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और समझो, अगर कोई ठोस वस्तु है उसके नीचे तुम अपना हाथ लगाते वैसे गिर रही, तुम्हारा हाथ तोड़ देगी लेकिन वो अलग अलग नहीं होगी,
उसमें कणों की स्थिति ना एकदम जकड़े रहते हैं एक दूसरे को। जैसे मैंने बताया था ना, अगर पानी नल से गिर रहा है और तुम क्या करोगे, पानी नल से गिर रहा है उसके टोटी के नीचे अगर हाथ लगाओगे तो क्या होगा, पानी आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा और फिर नीचे आके एक में मिल जाएगा ना। लेकिन अगर ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है तुम ऐसे हाथ लगाओ तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि दो पार्ट में हो कि आधा इधर चला जाएगा आधा इधर और फिर आके एक में मिल जाएगा, वो तुम्हारी अंगुली तोड़ देगा, लेकिन वो अलग अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ठोस होता है उसके कण आपस में एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, वो छोड़ते नहीं कभी एक दूसरे को एक पल के लिए। लेकिन जो गैस होती है उसमें उसमें इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ऊपर से मान लो गैस गिर रही है, अब गैस ऊपर से तो गिरेगी नहीं नीचे, मान लो सिलेंडर है इसमें से गैस निकल रही, तुम ऐसे हाथ लगाओगे तो क्या होगा, आधी गैस इधर उड़ जाएगी आधी इधर उड़ जाएगी, ना तुम्हारा हाथ पे कोई दिक्कत करेगी और ना ही वो आपस में आके मिलेगी, ऊपर आके कम मिल जाएगी, नहीं। तो ये होता है इनके कणों की स्थिति। ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में उससे दूर दूर होते हैं, और गैस में इनके कणों की स्थिति बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लो, अगर जो भी लिख रहे हैं वैसे तो नोट्स मिल जाएगा। ठोस में लिख लो कुछ भी, ईंटा पत्थर मेज कुर्सी बाल्टी लोटा गिलास, ये सब ठोस हो गया। हाँ, द्रव की बात करें तो आपका पानी हो गया, दूध हो गया, और बहुत सारी चीज़ें लिक्विड अवस्था में होती हैं, तुम खुद समझदार हो लिख लो। गैस की बात करें तो गैस के नाम लिख लो, ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, हाँ हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारी गैसें हैं। हाँ समझ रहे हो ना, फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा लिखना है नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें। ये बोल रहे हैं अगर रुई हो, रविराज बच्चा देखो, अगर रुई हो ऊपर से गिर रही है या फिर नीचे से कैसे भी, तो उसको नोच दोगे, अगर तुम खींच दोगे तब तो अलग अलग हो जाएगी, अलग बात है भाई। देखो बल लगाओगे किसी चीज पे तो वो बदल ही जाएगा, वो अलग बात है। अब ये पेन है, तुम कह रहे हो ये नीचे गिर रही है, हाँ अब तुम कहोगे नहीं मैं इसको तोड़ दूंगा, तो जब तुम उस पर अत्यधिक बल लगाओगे तो कोई भी बदल जाएगा, ठोस हो द्रव हो या गैस हो भाई, बल लगाने से तो पत्थर भी टूट जाता है ना, तो वो आपकी जो भावनाएं हैं वो अलग हैं। राजा बाबू समझ में आ रहा है? हाँ रघुबीर, धोनी गुप्ता, मिस्टर निकुल, बच्चा पढ़ाई कर लो तो अच्छी बात है।